Nushat and welcome back to my YouTube channel AP Tutorial. My dear student, we are doing Maths of NCERT Class 10, Exercise 3.3. अब हम 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3rd के 5th पार्ट देखते हैं. What the question says here? क्वेश्चन कहते हैं, 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. कि 5 साल बाद, Jacob's son की age की 3 गुनी हो जाएगी. ओके? और 5 years ago, 5 साल पहले, Jacob's age was 7 times that of his son. जैकब की एज उसके बेटे से उनके बेटे से 7 गुने ज्यादा थी. ठीक ना? सो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? इनके प्रेजेंट एज क्या है? मीन जैकब की प्रेजेंट एज और जैकब्स की प्रेजेंट एज क्या है? तो यू नो जैकब्स की प्रेजेंट एज और जैकब्स के सन की प्रेजेंट को प्रेजेंट एज को हम एक्स और वाई सपोज करेंगे. ओके, जस्ट लुक हियर. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब की प्रेजेंट एज को हम सपोज करते हैं एक्स ईयर. ओके, द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन्स, जैकब्स के सन के प्रेजेंट एज को हम सपोज करते हैं वाई ईयर्स. ओके, देन यू नो देन हियर टेलिंग क्वेश्चन सेज फाइव इयर्स, यू नो आफ्टर फाइव इयर्स, पांच साल बाद, जैकब की एज कितनी हो जाएगी? जैकब्स एज अभी प्रेजेंट में एक्स है, पांच साल बाद कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस फाइव इयर्स. ओके, जैकब्स सन से जैकब की सन की एज कितनी हो जाएगी? जैकब सन से प्रेजेंट में वाई है, पांच साल बाद कितनी हो जाएगी? y प्लस फाइव. नॉट टेलिंग हियर दैट यू नो फाइव इयर्स एगो, पांच साल पहले. ओके, पांच साल पहले, देन फाइव इयर्स एगो पांच साल है ना, फाइव इयर्स एगो पांच साल पहले जैकब्स केस कितनी होगी? जैकब की एज थी कितनी थी? अभी प्रेजेंट में एक्स है तो पांच साल पहले कितनी होगी? एक्स में से फाइव माइनस करेंगे, एक्स माइनस फाइव इयर्स. कि सन से सन की एज कितनी होगी? वाई माइनस फाइव इयर्स. अंडरस्टूड? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कहता है एसक्यू, क्वेश्चन कहता है कि पांच साल बाद जैकब की एज सन की एज से 3 गुनी हो जाएगी. तो पांच साल बाद जैकब की एज कितनी है? एक्स प्लस फाइव. जैकब अपने सन से कितने बड़े हो जाएंगे? 3 गुने. जैकब की सन की एज कितनी है? वाई प्लस फाइव. और जैकब की एज जो होगी अपने सन से 3 गुनी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हम इसे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे. नौ एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू 3 into y 3y प्लस 5 is 15. और हम कर सकते हैं एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 5 विल कम दिस साइड, 15 में से 5 माइनस करेंगे 10. दिस इज इक्वेशन 1. x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया. नाउ अब हम इसी तरह से यू नो सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन डन है, नाउ सेकंड हम सॉल्व करेंगे. फाइव इयर्स एगो, पांच साल पहले जैकब की एज कितनी थी? सन से कितनी ज्यादा थी? 7 गुने ज्यादा थी. देन फाइव इयर्स पहले जैकब्स की एज कितनी थी? एक्स माइनस फाइव. ओके, जैकब्स की एज उनके सन से कितनी थी? देन 7 टाइम्स ज्यादा थी. सन की एज वाई माइनस फाइव है, जैकब की एज सन से 7 टाइम्स ज्यादा थी. हमने इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सन से 7 टाइम्स ज्यादा थी. ओके, नाउ x माइनस फाइव इक्वल टू 7 into y 7y माइनस 7 5 35. सो हियर x 7y विल कम दिस साइड, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 एंड प्लस 5. व्हाट विल बी? x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30. Understood? This is equation 2. ये हमारा equation 2 हो गया. Now,
विविल रवि, यहाँ तक हम रख कर लेते हैं। सिर्फ इक्वेशन वन और इक्वेशन टू हमारे पास होने चाहिए। अब हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू के थ्रू सोल्व करेंगे। वट यहाँ पे हम इक्वेशन वन को यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं, सो दैट इट कैन बी मोर, ताकि आप और भी चलेंगे समझ पाओ। इक्वेशन x माइनस थ्री वाई यहीं पे कर देती हूँ, x माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू टेन, दिस इज इक्वेशन वन, ये हमारा इक्वेशन वन है एंड दैट इज इक्वेशन टू, और ये हमारा इक्वेशन टू है। तो लेट्स जस्ट लुक हियर, हम किसके थ्रू सबसे पहले किसके वेरिएबल्स लेंगे, यू नो किसी के भी, वी आर टेकिंग द वेरिएबल ऑफ फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू से करते हैं, इक्वेशन वन से करते हैं हम, यू नो थ्री वाई विल गो दैट साइड, सो थ्री वाई इक्वल्स टू एक्स, यू नो एक्स माइनस टेन, टेन विल कम दिस साइड, एक्स माइनस टेन, देयर फोर वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस टेन डिवाइडेड बाई थ्री, दिस इज इक्वेशन थर्ड, इसे हम इक्वेशन थर्ड सपोज कर लेते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे, इक्वेशन टू में पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में y की वैल्यू रखने पे, ये x माइनस सेवन वाई है, इक्वेशन टू एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल्स टू माइनस थर्टी, ठीक है, इसमें पुट करेंगे y की वैल्यू, x माइनस सेवन इंटू वाई क्या है, x माइनस टेन डिवाइडेड बाय थ्री इक्वल्स टू, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस थर्टी। नाउ x माइनस सेवन इंटू एक्स, सेवन एक्स माइनस माइनस प्लस, टेन सेवन जा ट्वेंटी डिवाइडेड बाय थ्री इक्वल्स टू माइनस थर्टी। नाउ अब हम लेंगे एलसीएम, वी विल टेक एलसीएम, आर यू गेटिंग इट? नाउ अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेंटी इक्वल्स टू माइनस थर्टी। माइनस थर्टी को हम यू नो क्या करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आती है, x इक्वल्स टू 40, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x 40। Now, x की वैल्यू वी हैव गॉट, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जस्ट लुक हियर, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू को पुट करेंगे, ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू रखने पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू रखने पर, ओके, दिस इज इक्वेशन थर्ड, y इक्वल्स टू x माइनस टेन डिवाइडेड बाय थ्री, व्हाट इज x, x इज 40 को 10 से माइनस करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, 40 माइनस 10 व्हाट विल कम 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, 3 10s आर 30, वी विल गेट हियर 10, सो वी गेट हियर y इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 10, What was x? हमने x किसे suppose किया था? We have suppose x as Jacob's age. Jacob की age x है, एक present x, हमने present age of Jacob को x suppose किया था, and that is equal to 40. और वो कितनी है? 40. और present age of son हमने suppose किया थे y, and that is equal to 10. Therefore, the present age of Jacob is 40, and the present age of son is 10. Thus, the present age of जैकब, जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है, 40 इयर्स,
14 years. Okay, the present age of his son, the present age of his son, और बेटे की एज 10 years. Understood? आया समझ में? है बहुत easy? Yes, it's easy. It's in only you can solve it in all step by step. अगर आप step by step solve करोगे, then everything is very possible, very easy. So go on practicing it. I'll meet you in my next video with next exercise. Bye bye.